एबीपीएस न्यूज सच का साथी। जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मूडा पांडे क्षेत्र के गांव पीरपुर थान में असलम पत्नी जुबैदा का मकान कुछ दिनों पहले बारिश के चलते मकान की दीवारें फट गई थी, लेकिन असलम ने अपने मकान की कोई मरम्मत नहीं की थी, इसलिए मकान की छत गिर गई। छत गिरने से असलम के दो बच्चे आसिम आसिफा दोनों बच्चे छत के नीचे दब गए और बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भेज दिया गया, जहां पर असलम का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान पति मुनीश से व ब्लॉक के अधिकारियों से शिकायत भी की गई थी, लेकिन जर्जर हालत में बने हुए इस मकान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और मेरे आवास को लेकर किसी ने कोई मदद नहीं की। लेकिन ग्राम प्रधान पति मुनीश ने प्रार्थी असलम के साथ कहा कि तुम्हारा नाम लिस्ट में चढ़ा दिया गया है और सरकार की तरफ से कॉलोनियां आने पर आपको मदद दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि ग्राम प्रधान के द्वारा लिस्ट में नाम चढ़ाए जाने के बावजूद भी सरकार इस गरीब को मकान देती है अथवा इसका नाम सिर्फ फाइलों में ही चलता जाएगा। मकान देना या ना देना ग्राम प्रधान नहीं बल्कि सरकार के हाथ में है। नाम है मेरा असलम। कौन सा गांव में रहते हो? ग्राम बीरपुर थान में। क्या घटना हुई रात? रात साहब 11 बजे छत खुद गिर गई, मैं लेटा अंदर, मैं दब गया इसके नीचे, मेरे सिर पे चोट लग गई और बच्चों को चोट लगी है और बड़ी मेहनत से मेरे भाई बंधुओं ने मुझे रात निकाला। अब मैं अपने भैया घर में रहूँ साहब। ग्राम प्रधान को हमने अपने कागज वगैरह दिए दिए कॉलोनी के, अभी आया ना है हमारी कॉलोनी। प्रधान जी कह रहे हैं भाई कॉलोनी आ जाएगी तो दे दूँगा, कोई पास से थोड़ी दूंगा मैं, जब कॉलोनी आ जाएगी तुम्हें दे देंगे, अब तो तुम रो कैसे ना कैसे। तो साहब टाइम काट रहे हैं, चोट पोट लग गई, बच्चों को भी लगी और तमाम परेशान है बच्चे साहब। हमारे भैया घर हैं यहीं, एक का नाम आसिम है, एक का नाम आसिफा, घर वाली का नाम जुबैदा है। क्या चाहते हो आप? जी हम ये चाहते हैं कि हमें कैसे ना कैसे, ये कच्चे घर हैं हमारे, गिर गए सब, पीछे पानी खड़ा रहता, हमारे घर गिर गए, हमारा घर बन जाना चाहिए, हमें भी कोई विकास मिलना चाहिए, आवास। हम आवास के लायक है ना, जमीन है ना कुछ है, खाली हाथ पाऊँ वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।